सर। अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड ग्रीटिंग फ्रॉम पेशावर कैंट। और इस टाइम पे हम खड़े हैं पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पे अपनी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के रिस्टोर इनॉग्रेशन के लिए। कमोबेश 2022 में से लास्ट 22 जब सस्पेंड हुई तो 1.5 साल बाद गाड़ी को आज रिस्टोर किया जा रहा है पेशावर कराची और पेशावर बिटवीन पेशावर कराची। गाय सब मिलजुल के रिलैक्स हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है अल्लाह का साईं। जी ये बच्चों को रास्ता छोड़ दीजिए। यार एक मिनट, ये यूट्यूबर आई नहीं वाला कसम है कि इन्हों नु बुलाने वो मीडिया नु क्यों बुलाए। सब मिलजुल के लेकिन खुद समझ नहीं रहे। पाकिस्तान रेलवे का एहसास है सब, तो प्लीज टोपी वाला तलक सेट तक टोपी वाला खाते बैठ जा। उधर तो कहते हैं ज्यादा मशहूर है, उधर का तो कहते हैं आपके मौके के लैपिंग लगते हैं इसका हाथ अपने हाथ के ऊपर रखे बच्चे दादू के रखो। गुड हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह हमारी इदारे को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को माजी इस्तेकाम और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह जिन भाइयों ने एफएम के चलाने में किसी तरह भी अल्लाह किरदार अदा किया है, या अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तआला अला नबी करीम व अला आलिही व असहाबीही अजमईन। आमीन। खुशो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गाइस ग्रीटिंग फ्रॉम पेशावर कैंट। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी 14 टन अवाम एक्सप्रेस के रिस्टोरेशन इनॉग्रेशन के लिए। आज के बाद सस्पेंड किया गया था और कमोबेश 1.5 साल बाद 20 दिसंबर सन 2023 को गाड़ी को फिर से एक बार दोबारा बहाल किया गया। और ये हमारे पेशावर डिवीज़न के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि रेल फैंस एंड यूट्यूबर्स को एक नई गाड़ी मिल गई है और पेशावर डिवीज़न को भी। अभी से कुछ ही देर पहले अपने पेशावर डिवीज़न के डीएस साहब ने गाड़ी का इफ्तिताही तकरीब हुई, उन्होंने उसका फीता काटा और अभी गाड़ी का ब्रीफली मुआयना किया जा रहा है। हाँ जी लग सकता अच्छा हाँ जी लग और ये अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गाइस, फाइनली बाय बाय कीजिएगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को।
गाड़ी को लीड करे GU 24555 और कमोबेश डेढ़ साल सस्पेंड होने के बाद आज 20 दिसंबर को गाड़ी को रिस्टोर किया गया पिशावर कैंट और कराची कैंट के दरमियान में। इस बीच में इसके तकरीबन 62 इंटरमीडिएट स्टॉप्स आएंगे और अपना टोटल डिस्टेंस 1721 किलोमीटर का तय करेगी 35 घंटे और 5 मिनट में। अवाम एक्सप्रेस के हवाले से बात करते जाए तो पाकिस्तान रेलवे की लेजेंडरी तो है बट पैसेंजर ट्रेन है जो कि कमोबेश इंटीरियर सिंध में हर एक छोटे बड़े स्टेशन पर स्टॉप करते हैं, इसलिए इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ना कि इवन पिशावर डिवीज़न को बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान रेलवे को। तो एक बहुत ही खुशाइन बात है स्पेशली पिशावर डिवीज़न के लिए, पिशावर कैंट स्टेशन की रौनकें बहाल हुई और उसके साथ साथ पाकिस्तान रेलवे को एक मुस्तहकम ज़रिया भी मिलेगा, इससे एक अच्छी इनकम भी आएगी क्योंकि हर छोटे बड़े स्टेशन पर गाड़ी का स्टॉप है, तो इसलिए हमारे देखने में गाड़ी का एक अच्छा GDP बनता है। तो इसी के साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान से आए हुए हमारे कंटेंट मेकर, यूट्यूबर्स, रेल फैंस, जिनमें से कुछ मैं आपको दिखाता चलूं, ये रहे जैन मिर्ज़ा ट्रेनोलॉजी वाले गुजरात से, और इसी के साथ साथ हसनैन है जेलम से, और भी कुछ भाई थे जो कि बड़ी दूर दूर से। ओके जैन अल हाफिज़, वो देख लीजिए सुफियान साहब भी खड़े हैं, और कमोबेश डेढ़ साल बाद 14 डाउन ऑफ वाम एक्सप्रेस अपने सफर की तरफ जाने रमा दमा। ओके लाले, बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, ना कि पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करे बल्कि नई गाड़ियों को भी चलना चाहिए। मेहरबानी मेहरबानी। न्यूली पेंटेड है अब कल जब लीजिए फ्रेंड्स, तो फाइनली आप देख सकते हैं अपने इंचार्ज गार्ड साहब सबल झंडी लहराते हुए पिशावर खंड से रमा दमा।